अरे भाई क्या छूट भी नहीं है क्या? अरे टेबल वेबल लगाओ यार, किधर है टेबल वेबल? नहीं भाई सुकून से बैठ जा, सब बिक गया। क्यों? घसीटा राम ले गया। क्यों ले गए? बेटी को पढ़ाना था लंदन में। ओ, तेरी जात का फायदा मारो। आज अपने को ऐसे ही शूट करना है, चलो फटाफट शूट करते हैं। चलो शुरू करते। नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी और ये है ए जे। दोनों आपका स्वागत करते हैं पहली बातें पर, और हाथ मिलाकर नहीं हाथ जोड़कर आप सभी से कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए अनुरोध करते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए अनुरोध सिर्फ हम दोनों नहीं कर रहे हैं, पूरी टीम सूर्यवंशी कर रही है। क्योंकि इसी के चलते सेहत को ध्यान में रखकर सूर्यवंशी ने कर दिया है अपने मूवी का रिलीज पोस्टपोन। यस, वही हमने सुबह सुबह जाकर देखी अंग्रेजी मीडियम की इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी मीडियम। वही हम 15 मिनट लेट हो गए क्योंकि हमारे साथ एक और जन था, उसके कारण हमको टिकट निकालने में थोड़ी सी हो गई प्रॉब्लम। इनका यही प्रॉब्लम है, अपनी वाली दूसरे बेटा को। टिकट पहले से ही निकल चुकी थी कल से। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी मीडियम जो मूवी है वो ऐसा लग रहा था कि ये जो मूवी होगी वो हिंदी मीडियम के लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर होगी और उसकी सीक्वल होगी, पर ऐसा मूवी कुछ भी नहीं था। नहीं, ट्रेलर देख के ऐसा लगा था कि मूवी फ्लैट है, बट इट्स अ पेंटा हाउस, इट्स बंगलो। और उस पेंटा हाउस में जो अंग्रेजी मीडियम के कलाकारों ने एक्टिंग की है यार, वो काबिले तारीफ है दोस्तों, लाजवाब। तो बात करते हैं अंग्रेजी मीडियम के कास्टिंग के बारे में। क्यों नहीं, वही मूवी के लीड कैरेक्टर्स में नजर आए इरफान तारिक खान। इरफान खान नाम है उनका, तो ठीक से नाम लेना, फुटेज नहीं खाने का। अच्छा ठीक है। और वही उनके डॉटर के रोल में नजर आई है राधिका मदन। वही उनके चचेरे भाई के रोल में नजर आए हैं दीपक डोबिरियाल। और वही सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में नजर आए हैं कोरोना की बहन तैमूर की मम्मी, सैफ अली खान की बीवी करीना कपूर खान। तेरी माँ की यार खान ही है ना। ओके, करीना कपूर खान। और बड़े दिनों बाद पर्दों पे नजर आई कि तूने क्या किया, तेरा नाम लिया। अरे सीधा सीधा नाम बोलो ना, डिंपल कपाड़िया। ओके, डिंपल कपाड़िया। मेरे को एक समझ नहीं आता है, डिंपल कपाड़िया का नाम है ऐसा, डिंपल कपाड़िया क्यों? उनके डिंपल तो गिरते नहीं है, वो उधारी दे दी ना दीपिका। उधारी दे नहीं रहेगी, मेरे को तो लग रहा है इनको पहले पिंपल दे, तो इनका पिंपल कपाड़िया नाम होगा इसलिए उन्होंने डिंपल कपाड़िया कर दिया। वेरी नाइस, क्या फालतू जोक था। वही दोस्तों रणवीर सूरी और कीकू शारदा। समझ में, शारदा जेल से निकले तो उनके बदले जेल में डाल दिया गया है रणवीर सूरी को, क्योंकि वो बने होंगे सरोज खान। वो नाच रहे थे क्या, छेरा छोरी चने के खेत में, टाइम पास नहीं। और दोस्तों बात करेंगे मूवी की स्टोरी के बारे में। बताओ इरफान खान के साथ साथ जो एक बेहतरीन मुझे प्लेयर नजर आया है, प्लेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, तो इंशाल्लाह वॉइस प्लेट नहीं होगा। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों की मतलब स्टोरी जो है दोस्त, स्टोरी के बारे में बताने से पहले ना मेरा ऐसा दिल उछल उछल के बोल रहा है कि एक बार ही इरफान खान साहब को एक पहली बातें की तरफ से हैट्स ऑफ सैल्यूट। लेकिन किस लिए, वो भी तो बता दो भाई। दोस्तों जिस बीमारी में लोगों के हलक से निवाला नहीं उतरता, उस बीमारी के साथ साथ उन्होंने जो लड़ाई करी है उस बीमारी के साथ और जो एक्टिंग करके दिखाई है वो हैट्स ऑफ है, काबिले तारीफ है। मैं खड़ा होकर उनको हैट्स ऑफ बोलना चाहता हूँ, लेकिन फ्रेम के बाहर नहीं जाना, इसलिए हम लोग बैठ के देते हैं। तो पहली बातें की तरफ से एक हैट्स ऑफ। इरफान भाई ये जरूर आप वीडियो देखना हमको, थैंक यू। ये असली बातें करता है बीप डालो बीप। दोस्तों बात करेंगे अंग्रेजी मीडियम के स्टोरी पर जो कि बहुत है बेहतरीन। चलो बात करते हैं स्टोरी के ऊपर, तो चलो बात करते हैं प्लॉट के ऊपर। हमारी बेटी यहाँ पड़ेगी। हुई 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 चंपक, हुई देख भाई आईफिल टावर। आईफिल नहीं, एफिल टावर है। अरे हुई यार, घना चोखा लागे पर घना चोखा है। चोको चाहिए, ले चोको। अरे यार तू गंदी बात करो जो चंपक यार, मैं जा रहा हूँ। सुनना। तो बात करते हैं दोस्तों प्लॉट के बारे में। वही मूवी का प्लॉट शुरू होता है, हम एक्चुअली थोड़े से 15 मिनट लेट हो गए थे क्योंकि इन्होंने लेट किया था।
मैंने लेट नहीं किया था, पीवीआर वालों ने जल्दी की थी यार। हमको हर बार 9:30 को दिखाई जाती है, आधा घंटा हम उधर उनका एडवर्टाइज देखते हैं मुफ्त में। झूठ बोल रहे, इनको बाहर बैठ के चाय पी रहा था। तो बात शुरू होती है मूवी की प्लॉट के बारे में। मूवी का प्लॉट शुरू होता है जहां से हमने देखा कि एक कोर्ट सेशन चल रहा है। दो परिवार है, दो परिवार इन द सेंस कि एक बहुत बड़ा परिवार है घसीटाराम नाम का, जो कि एक ब्रांड है। मुझे एक समझ में भी नहीं आता एक्चुअल में कि इनका नाम घसीटाराम क्यों है, क्योंकि मिठाई बेचते हैं इसीलिए। अबे राइटर की मर्जी, चाहे कुछ भी नाम दे दे, तेरा क्या जा रहा है उसमें। अच्छा ठीक है, लेकिन हर मूवी में होता है ना, तो हर मूवी में राइटर का मन करता है लिखने का। सोनू की टीटू की स्वीटी में भी था, वो एक और मूवी उसमें भी था, बहुत सारी मूवी। राइटरों को आदत होता है घसीटने की, इसलिए राम का नाम लेके घसीटते, तो घसीटा ना यार, बहुत फालतू था। ठीक है, तो जो बात करते प्लॉट के बारे में, प्लॉट यहाँ से शुरू होता है जहाँ से हमने देखा। उस मूवी में जो जज साहब है, वो जो दो भाई है इरफान पठान और दीपक दोबिरियाल, इनके बीच में थोड़ी सी आपसी रंजिश होती है नाम को लेकर। तो ये केस डाले रहते सब जन, तो वो जज साहब को पैसे खिला के केस अपने फेवर में कर लेता है। वही सारे लोग चिढ़ जाते हैं, और वही इनकी बेटी दिखाई हुई है राधिका मदन, जिनका नाम है तारिका, जो कि बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है और बहुत सही दिखाया गया है उनको, मैं तो फैन हो गया, शी इज माय क्रश राइट नाउ। और उन्होंने शर्त लगाई हुई है अपने फैमिली से या किसी से, पता नहीं, लेकिन प्रिंसिपल से शायद से, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग का प्लॉट थोड़ा सा बाद में ही होता है। हाँ, तो प्रिंसिपल से शर्त लगाई गई है, वही वो टॉप थ्री में आना चाहती है। जो भी टॉप थ्री में आएगा उनको लंदन का ट्राइफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां का एडमिशन कोटा मिल जाएगा। हाँ। तो वही उसके लिए काम करती रहती है, मेहनत करती है और लाती है 85%। वही जहाँ पे इनॉग्रेशन होता है, जहाँ पे स्कूल का एनुअल डे होता है, वही पे प्रिंसिपल के पति रहते हैं, और वो वही पति होते हैं जो जज साहब होते हैं, और उनके कारण ये सारा मामला यहाँ से बिगड़ जाता है। इरफान भाई उस प्लॉट को पूरा बिगड़ा डालते हैं, और यहाँ से शुरू होता है असली प्लॉट। तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मूवी देखे। पर एक चीज मुझे खराब लगा पिक्चर में, क्या जिस लड़के की मदद लेकर वो लड़की 85% लाती है, वो लड़का उसके लिए पिताजी हमको यहाँ पढ़ने जाना है, ले घूसा ले छड़ी, ले घूसा ले छड़ी। मुझे याद है, मुझे जाना था सोमया, मेरे को डाल दिया बिरला, बोले तू जा नहीं पाएगा। मैं इतना जिद किया फिर भी नहीं जा पाया। चोपड़ा पे रहते हो क्या? हाँ, यही प्रॉब्लम है वहां का, प्रॉब्लम यही है। तो मैं दोस्तों यही चीज में देखकर रह गया कि एक लड़का सैक्रिफाइस कर रहा है वुमन को एम्पावर करने के लिए, और वही हमारी नया दुबिया बात कर रही है इक्वालिटी इक्वालिटी। हद हो रहा है यार ये एक्टर के मामले में, वब 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 वब, लेकिन वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे थूक, बॉडीज का नाम खराब कर रही है। बहुत गलत है, बहुत गलत। आई सपोर्ट ऑल मेमर्स, मेमर्स मेल्स, मेमर्स, अच्छा मेमर्स, मीम्स, मीम्स। हाँ, वो एक पोस्ट को मीम्स बोलते हैं, उस पोस्ट को सारे लोगों को बनाने वाले को मीमर्स बोलते हैं। अच्छा, मीमर्स। हाँ, अंग्रेजी मीडियम मूवी देख के आया हूँ मैं। तो ठीक है, चलो बात करते हैं प्लॉट के एंड के बारे में। वही सेकंड हाफ में दिखाई गई है करीना कपूर खान जो कि तैमूर की मम्मी है, सैफली की बीबी है। ठीक है, वही तैमूर का बच्चा ही है ना, तो टेल पूरा नाम तैमूर अली खान, क्या नाम तेरी माँ? अरे करीना कपूर खान, एग्जैक्ट। और वही उनकी मोम का रोल में नजर आई है डिम्पल कपाड़िया, क्या प्यारा एक्टिंग करी है यार, बहुत सही। मतलब उन्होंने दिखाया है टिपिकल इंडियन, जिसको अचार मसाला भरा खाने से बड़ा प्यार हो जाता है, और उसी चक्कर में दोस्ती हो जाती है इरफान खान और दीपक। ये उनकी गलती नहीं है भाई, ये लंदन में या फॉरेन में रहने वाले सब नागरिकों का यही हाल है ना। हाँ, मूवी में इमोशनल टेस्ट दिया ही जाता है लास्ट में, ये चीज है। वही कहीं ना, तो ये सारी चीजों के बीच में एक चीज ये दिखी आई कि एक बाप बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, राइट। अगर वो अपने पे आ जाए कि बेटी की खुशियों के खातिर वो कुछ भी कर सकता है, और वही प्यारा चीज ये दिखाया गया है कि बेटी बाप के फीलिंग्स को समझती नहीं है, नहीं। वो मॉडर्न होना चाहती है, वो लंदन आने के बाद चेंज हो जाती है, और यही मूवी का ओवरऑल प्लॉट है, जो कि हम लोग स्पॉइलर नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। लेकिन एक चीज फिर वही नजर आता है कि जब तक लड़का अपना दर्द नहीं सुनाएगा तो क्या कोई नहीं सुनेगा? तो फिर तुम नया दुपिया के बारे में गाली दोगे यार इसकी। तो ये नया दुपिया की तो ठीक है, चलो नहीं, सच में जब इरफान खान अपना दर्द सुनाता है अपनी बेटी को, तब बेटी को एहसास होता है, ओह माय गॉड, मेरे बाप ने मेरे लिए ये सब किया। मिस्टर चंपक से डैडी, सॉरी पिताजी,
घसीटा राम का नाम मैं इंडिया में रहकर इंटरनेशनल बनाऊंगी। वो हम लोग स्पॉइलर नहीं देना चाहते, वही तो कह रहे हैं हम लोग। लेकिन लड़कों के दर्द को पहले फिर कमेंट बॉक्स में लिखना मत कि स्पॉइलर दे दिया, स्पॉइलर दे दिया, स्पॉइलर दे दिया। सॉरी, वही कहीं ना कहीं दोस्तों जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, जो इन्होंने डायरेक्ट किया है, और राइटर्स जो राइट किया है इस स्क्रिप्ट को, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। रियली अप्रिशिएट द वर्क ऑफ डायरेक्टर एंड राइटर, स्पेशली ऑन एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग भी बोल सकते हो यार, राइटिंग जो स्क्रीन प्ले हो गया, सारी चीजें परफेक्ट है, खराब नहीं। जहाँ इरफान खान हो, पंकज त्रिपाठी हो, यार उनको कौन बीट कर सकता है। तैमूर की मम्मी भी, तैमूर की ज्यादा तैमूर तैमूर मत बोल, सैफ अली खान केस कर देगा। Here is the first thing that we like about the film is acting of all stars जो कि उसमें इन्वॉल्व है, भाई कहीं ना कहीं द बॉन्डिंग विच दे हैव रिप्रेजेंट बाय ईच एंड एवरीवन। मेरे को बॉन्डिंग एक दूसरे के बीच में जो इमोशनल टच था एंड मैसेज वाज परफेक्ट। Here is the second thing that we dislike about the film is सबसे बकवास चीज ये है कि लड़कों के कॉम्प्रोमाइज को नहीं दिखाया गया। वहीं कहीं ना कहीं जो कल्चर को कंपेयर किया गया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडियन कल्चर को भले से ऊपर रखा गया है, लेकिन जो इतनी आसानी से इधर उधर भेज दे रहे थे ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, एक और वो ट्रक वाला। हाँ, मतलब क्या है फालतूगिरी, दवा को मेडिसिन, सीधा गूगल बताता है, तुम दवा को ट्रक बता रहे हो। Hey man, what you are doing, man? What you are doing in my part? Cool. Yeah, what cool? Cool I am. This is London, bro. Cool. No, London cool. It's London. It's very cool. I'm cool. You are fool? You are nama cool. Shut up, you idiot. You are not cool. Cool inside your hand, cool. Hey, shit, you idiot. Cool your hand. Hey, cool. What you are doing? Cool. She. तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये अंग्रेजी मीडियम का जो रिव्यू है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ घंटा जरूर बजाएं। और कमेंट बॉक्स में हमें और भी बताएं कि हमें कौन से रिव्यूज करने चाहिए, कौन से रिव्यूज नहीं करने चाहिए, इवन मूवीज, वेब सीरीज एंड ऑल कुछ भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट, मतलब हम दोनों को बता। सीरियल मत बताना सास बहू वाला। हाँ, वो हम नहीं करते। हाँ, वो हम नहीं देखते भी नहीं, देखते भी नहीं। थैंक यू। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ जिसमें हम नए पिक्चर को रिव्यू करने वाले हैं, मतलब खोलने वाले हैं ऊपर से नीचे तक उनको। मिलते हैं किसी ने और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, हमको बहुत फॉलोअर कम है मेरे। वो इसलिए रहा है क्योंकि पिक्चर देखते वक्त हमने बहुत रोया था, इस वक्त हमें रोना नहीं आया क्योंकि नहीं रोना था। तो प्लीज हमको फॉलो करो ना इंस्टाग्राम पे जाके। थैंक यू सो मच।